नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। दोपहर बाद 4 बजे तक 70% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। पिछले चरण में राज्य में तकरीबन 80% मतदान हुआ था। समझा जाता है इस बार भी वैसा ही मतदान हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। इसके बाद वे एक बूथ पर धरने पर बैठ गईं। ममता बनर्जी दोपहर बाद अपने घर से निकली और व्हीलचेयर पर बैठे हुए ही कई बूथों तक पहुंची। बोयाल गांव में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग उन्हें वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। उनका कहना था कि ऐसा कम से कम 10 चुनाव बूथों पर हो रहा है। बोयाल में ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल के इन बूथों पर बवाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, लेकिन आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर चुनाव में गड़बड़ी होने की शिकायत की। उन्होंने राज्यपाल से ये भी कहा कि वे राज्य के प्रमुख हैं, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना चाहिए। ममता बनर्जी ने राज्यपाल से केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी शिकायत की और कहा कि उनके कहने के बावजूद सुरक्षा बलों के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बंगाल में मतदान के दौरान नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम के शामसाबाद के चंदन नगर इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीटा है। तो वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि डेबरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष मतदाताओं में पैसे बांट रही हैं। इसके अलावा डेबरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया कि नोवापाड़ा की बूथ संख्या 22 पर उन्हें रोका गया। वे पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव एजेंट को अंदर जाने से रोका गया। वहीं पूर्व मिदनापुर में टीएमसी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। करीब आधा दर्जन बूथ को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने कहा है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव हुआ है। उनकी गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन दूसरी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने बीच मतदान में खास समुदाय को निशाने पर लेने की कोशिश की। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि एक खास समुदाय के लोग उनके लोगों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जय बांग्ला तो बांग्लादेश का नारा है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी को पहले भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राज्य में कई जगहों पर पथराव किए हैं, बीजेपी पर हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु जीतेंगे, पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होगी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया है कि मतदान के समय नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार और रैली कैसे कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता दें, पीएम मोदी ने आज जयनगर में रैली की है, जहां ममता बनर्जी को जमकर निशाने पर लिया है। मोदी ने कहा कि मैं ममता बनर्जी की तरह चुनाव के वक्त धार्मिक नहीं हो जाता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अब खेला नहीं चलेगा। जयनगर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी दूसरी पार्टी के नेताओं से मदद की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल बंगाल के लोगों के साथ अन्याय करने वाला शूर है। इसके अलावा एक और रैली में पीएम ने कहा कि कभी दीदी मुझे टूरिस्ट कहती हैं, कभी बाहरी बताती हैं। दीदी आप घुसपैठियों को अपना मानती हैं, लेकिन भारत माता के बच्चों को बाहरी बताती हैं। पीएम ने ममता बनर्जी से कहा कि दीदी लोगों को बाहरी बताकर संविधान का अपमान करना बंद कर दीजिए। असम में भी दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। यहाँ 39 सीटों पर शाम 3:30 बजे तक 63% से अधिक मतदान हो चुका था। नलबरी जिले में सबसे अधिक 71% मतदान दर्ज किया जा चुका था, तो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में सबसे कम 57.24% वोटिंग दर्ज की गई थी। असम में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच बदरुद्दीन अजमल ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज देंगे। क्या पिछले 5 साल में उन्होंने 100 लोगों को भी बांग्लादेश भेजा है? बता दें, बीजेपी पूरे असम चुनाव में अजमल पर हमलावर रही है। बीजेपी ने उनको घुसपैठियों का समर्थक बताया है। मोदी सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के अपने फैसले से 24 घंटों के अंदर ही पलट गई। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है।
केंद्र सरकार को इस बात का डर जरूर था कि 5 राज्यों को चुनाव के वक्त ये फैसला उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए उसने बिना वक्त गवाए यह कदम उठा लिया है। जिन छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर घटाने का फैसला लिया गया था उनमें राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और सामान्य भविष्य निधि यानी PPF शामिल है। केंद्र सरकार ने PPF के लिए ब्याज दर को घटाकर 7.1% से 6.4% कर दिया था। इसी तरह राष्ट्रीय बचत पत्र की योजनाओं पर ब्याज दर को घटाकर 6.8 से 5.9 कर दिया गया था। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए भी ब्याज दर को 7.6% से घटाकर 6.9% कर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के फैसले को वापस लेते हुए कहा कि ये आदेश भूल से जारी हुआ था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर नेताओं से लेकर आम लोगों ने वित्त मंत्री को निशाने पर ले लिया और तंज भी कसे हैं। आदेश वापस लेते वक्त वित्त मंत्री ने भूल के लिए ओवरसाइट शब्द लिखा था, जिसके बाद अब ये शब्द ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या सरकार की स्कीम पर ब्याज दरें घटाने का फैसला चूक से हुआ था या चुनाव को देखते हुए फैसला वापस लेने की बुद्धि आई है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के फैसले को वापस लेने के बाद TMC सांसद महुआ मोहित्रा ने वित्त मंत्री को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सबसे बड़ा अप्रैल फूल का चुटकुला क्या है, ये कि छोटी बचत की स्कीम पर घटाई गई ब्याज दरों का फैसला गलती से लिया गया, या ये कि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री आप सरकार चला रही हैं या सरकार। उन्होंने कहा कि आप अर्थव्यवस्था का हाल समझ सकते हैं जब करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला फैसला भूल से लिया जाता हो। सुरजेवाला ने कहा कि आपके पास वित्त मंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में BJP नेता अनवर खान के घर पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में अनवर का सुरक्षा कर्मी शहीद हो गया। शहीद हुए सुरक्षा कर्मी का नाम रमीज राजा है। हमले के वक्त खान घर पर नहीं थे। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार होने में कामयाब रहे। बीते एक हफ्ते में ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले भी कश्मीर में BJP के कई नेताओं पर आतंकी हमले हो चुके हैं। चंडीगढ़ से BJP सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। ये जानकारी उनके पति और अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने कहा है कि किरण खेर को मल्टीपल मायलोमा है, जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, इसलिए वो डॉक्टरों की देखभाल में अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें, इससे पहले पंजाब चंडीगढ़ के भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने इस बात की जानकारी दी थी। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को यह ऐलान किया। इन दिनों तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे वक्त में रजनीकांत को इस प्रतिष्ठित सम्मान को दिए जाने से इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रजनीकांत ने 1975 में अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की और वे तमिल पर्दे पर आते ही छा गए थे। रजनीकांत कुछ ही सालों में सुपरस्टार बन गए। बड़ी बात यह रही है कि विधानसभा चुनाव में रजनी ने जिस पार्टी का समर्थन किया वह पार्टी सत्ता में आई, लेकिन रजनी परोक्ष राजनीति से हमेशा दूर रहे। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अप्रैल महीने में छुट्टी के दिन भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। सरकार का ये फैसला उस दिन आया है जब देश में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। इस चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को अब टीका लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण इस बार पहली लहर में जितनी तेजी से फैल रहा था उससे करीब दोगुनी गति से भी ज्यादा रफ्तार से वो दूसरी लहर में फैल रहा है। देश में इस साल 17 मार्च को करीब 35,000 संक्रमण के मामले थे और 31 मार्च को 72,000 से ज्यादा आए हैं, यानी 13 दिन में ही संक्रमण के मामले दोगुने से ज्यादा हो गए। पिछले साल जब पहली लहर थी तब संक्रमण के मामले 35,000 से दोगुना बढ़कर 72,000 पहुंचने में 41 दिन लगे थे। तब 16 जुलाई को संक्रमण के मामले करीब 35,000 से बढ़कर 26 अगस्त को करीब 75,000 हो गए थे। इसका मतलब साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण में तेजी पहली लहर की अपेक्षा 3 गुनी से भी ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।